ओम नमः शिवाय। दोस्तों दोस्तों आज जो मैं बता रहा हूँ इसको देखिए ध्यान से। देखिए ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता जिसको लीमड़ा भी बोलते हैं। इसको हमने ये 4 दिन तक छांव में सुखाया है। ये सूखा हुआ है, देखिए लग रहा है हरा हरा, लेकिन ये सुखाया हुआ है, छांव में सुखाया हुआ कड़ी पत्ता है, जिसको कि हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। इसको 5 से 6 पत्ती चाय में डाल के इस्तेमाल करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों रोज़ जो आप चाय पीते हैं उसमें और इसको डाल के चाय पियेंगे उसमें आप अपने शरीर में कैसे एनर्जी महसूस करते हैं, कैसे काम करने का क्षमता महसूस करते हैं, किस तरीके से आपको अच्छा लगता है, किस तरीके से आपको मतलब ऐसे करेंट जैसे शरीर में फुर्ती आती है, तो उसी हिसाब से इस कड़ी पत्ता को की चाय भरपूर मात्रा में बहुत अच्छा होता है। अगर आपको कहीं कुछ एरिया में गए हैं जहाँ पर ठंडी लग रही है तो उसमें भी ये कड़ी पत्ता की चाय बहुत फ़ायदा करता है। ऐसे नॉर्मल रोज़ में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो लेकिन ज़्यादातर कहीं घूमने उमने जाते हैं तो आप थर्मस में भी बना करके इसकी चाय लेके जा सकते हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है, शरीर में बहुत अच्छा लाभदायक है ये। तो दोस्तों कहीं पर भरपूर मात्रा में कड़ी पत्ता मिलता है, कहीं पर बहुत नहीं मतलब मिल पाता है, कहीं पर दिक्कत होती है। तो इसको देखिए हमने जिसे सुखा के रखे हैं, अभी इसको हमने निकाल के डब्बा में बंद करके रख लेंगे और जब जब ज़रूरत होती तब तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उस हिसाब से बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कड़ी पत्ता नहीं भी मिलती है, जहाँ पर कहीं दूर से इसको लाना पड़ता है, तो उसके लिए इसको जैसे हमने छांव में सुखाया है, दोस्तों धूप में नहीं सुखाया, इसको छांव में ही सुखाया जाता है। तो इसका जो है अंदर का जो है जो मरता नहीं है पूरा रहता है इसके अंदर। तो दोस्तों मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि इसको पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार।